चले अब शुरू करते हैं कि हम किस तरह से एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। हाउ टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल इन एमएस विंडोज 10। किस तरह से हम ये एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपके सामने टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ इस प्रोग्राम के अंदर, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन नेम, और उसका नाम है नोटपैड। नोटपैड एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, इज ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम विच इज यूज टू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट फाइल। ठीक है, किस तरह से काम करते हैं चले समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक राइट बटन दबाया और एक फोल्डर बना लिया, सपोज टू बी एक फोल्डर बना लिया हमने यहाँ पे कंपेडियम के नाम से। ठीक है, और इस फोल्डर में जाके, कंपेडियम के फोल्डर में जाके यहाँ पर हमने ब्लैंक एरिया में राइट बटन दबाएंगे, न्यू में जाएंगे तो क्या बन जाएगा, फोल्डर। अब हमने क्या बनानी है यहाँ पे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसने अपनी तरफ से इसका नाम रखा है न्यू टेक्स्ट। ठीक है, न्यू टेक्स्ट नाम रखा है, हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, सपोज क्लास 01 इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये हमने इसका नाम रख दिया, इंटर दबाया, इस फाइल का नाम हो गया क्लास 01 इंट्रोडक्शन। इसके आगे ये .txt लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या है देखे, इसके आगे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, फाइल टाइप। फाइल टाइप क्या होती है, फाइल टाइप थ्री और फोर कैरेक्टर्स कोड विच असाइन बाय सॉफ्टवेयर टू इट्स चाइल्ड ऑब्जेक्ट फाइल। यानी कि ये तीन और चार कैरेक्टर का कोड होता है जो सॉफ्टवेयर खुद से असाइन करता है अपनी फाइल को, ताकि सो दैट इट कैन बी रिकॉग्नाइज, ताकि वो उसको पहचान सके, इन विच सॉफ्टवेयर शुड बी ओपन नेक्स्ट टाइम, ताकि वो उसको पहचान सके फाइल को कि वो अगली दफा किस सॉफ्टवेयर में खोली जानी है। जैसे यहां पे हम लिखेंगे फाइल का नाम, जो भी आप रखेंगे .ext, ये जो आगे लिखा होता है .txt, ये कहलाता है इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ फाइल। सही, तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे, यहां से हम क्लिक करते हैं और अब हम एक फाइल हमने बनाई है, इसको कैसे टाइप कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे, फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। इस सॉफ्टवेयर का नाम है नोटपैड, जिसका ये टाइटल बार है, ये इसका मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज का बटन है, ये रिस्टोर हो गया, ये मैक्सिमाइज हो गया, ये मिनिमाइज हो गया, ये यहाँ पे नजर आ रहा है, क्लिक किया ओपन हो गया। ये इसके अंदर मेन्यू बार है, फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, फॉर्मेट मेन्यू है, व्यू मेन्यू है, हेल्प मेन्यू है। ये फाइल का मेन्यू जिसमें न्यू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं अपनी फाइल को। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं दिस इज माई फाइल। अब इसमें अगर लाइन चेंज करनी है तो ऑलवेज इंटर दबाना है, ठीक है ना, आई एम टाइपिंग ऑन माई फाइल। ठीक है, अब इसको सेव कैसे करना है, देखें यहाँ पर एक स्टैरिक का निशान आ रहा है, स्टैरिक का निशान छोटा सा आ रहा है, आप जैसे ही फाइल में जाके इसको सेव करेंगे ये स्टैरिक का निशान गायब हो जाएगा, इट मीन्स कि अब आपकी फाइल सेव है। इफ अगर आप क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट टाइम इसको जाके ओपन भी करेंगे तो वो चीज़ इसके अंदर डायरेक्टली ओपन हो जाएगी और वही आपने जो सेव किया था नजर आएगा। अब मैं दोबारा से अगर इसके अंदर कोई चेंजेस करता हूँ, आई एम एडिंग न्यू टेक्स्ट लाइन, तो लिखने के बाद आप दोबारा देखें स्टैरिक का निशान आ गया, और जैसे ही मैं दोबारा जाके इसको फाइल में जाके सेव करूंगा ये निशान गायब हो जाएगा, इट मीन्स कि अब मेरी फाइल दोबारा से सेव हो गई। अब मैं बंद करके दोबारा से कभी भी खोलूंगा तो वो टेक्स्ट मुझे वहां पे मिलेगा। अब अगर इसके अंदर मैंने लिखा है और उसके बाद अगर मैं इसको सेव नहीं करता और डायरेक्टली बंद करने की कोशिश करता हूँ तो मुझसे कहेगा एक एरर, कह रहा है कि भाई ये जो तुमने चेंजेस करी है फाइल के अंदर, क्या तुम उसको सेव करना चाहते हो। अगर मैं कहूँगा सेव तो ये सेव करेगा और क्लोज कर देगा, डोंट सेव करूंगा तो सेव नहीं करेगा और क्लोज कर देगा, और कैंसिल करूंगा तो सेव नहीं करेगा इसको। तो मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ तो मेरी ये चेंजेस इसके अंदर सेव हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये इस तरह से आप इसके अंदर एक फाइल बना सकते हैं। अब इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना है तो उसका एक तरीका ये, राइट बटन कॉपी करें और यहाँ पर राइट बटन दबाएं, प्रेस करें और यहाँ पर आप इसको उसी फाइल की एक डुप्लीकेट बना लेंगे, बाद में इस पर राइट बटन दबा के इसका नाम रीनेम करके चेंज कर देते हैं, जैसे इंग्लिश फाइल, तो ये इंग्लिश फाइल के नाम से सेव हो गई। इसी का एक तरीका ये भी है कि अगर आप इसको खोल लें और फाइल में जाके सेव एज कर दें
तो ये फाइल किसी और नाम से सेव हो जाएगी, जिसका नाम हम रख सकते हैं सपोज टू बी मैथ फाइल। तो ये सेम फाइल सेम ऑब्जेक्ट के साथ इंग्लिश फाइल और उसके अंदर मैथ फाइल के नाम से सेव हो जाएगी, और उसमें वो सब सेव होगा जो उसके अंदर पहले से सेव था। तो सेव और सेव एज में क्या होगा, सेव जब भी आप करेंगे तो उसी फाइल को वो अपडेट करेगा जो भी उसके अंदर चेंजेस हो रही होंगी, और सेव एज करेंगे तो वही सारा कॉन्टेंट किसी और नाम से सेव कर देगा। इसमें आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये याद रखना हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये चेंज नहीं होंगे, हमेशा ऐसे रहेंगे। अच्छा, फाइल न्यू लेने का एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया, न्यू में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे फिर एक और नई फाइल आ जाएगी। एक दूसरा तरीका भी है, आप ऑलरेडी एक फाइल में खोले हुए थे और उसका फाइल का नाम ऊपर टाइटल बार में आ रहा था, आप फाइल में जाके इसको करेंगे न्यू तो ये दोबारा से एक नई फाइल लेके आ जाएगा और इसका नाम इसने रख दिया अनटाइटल। अब आप इसको सेव करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो आप बताएंगे भाई मुझे कहाँ सेव करना है। सपोज हम इसको कह रहे हैं कंपेडियम के फोल्डर में सेव करो और इसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। ये दूसरा मेथड है एक न्यू फाइल को सेव करने का। सपोज हमने इसको यहाँ पे ड्राइंग के नाम से सेव कर दिया, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने इसको सेव कर दिया, तो यहाँ पे एक ड्राइंग की फाइल बन जाएगी। अब इसमें हम जो भी लिख सकते हैं, ड्राइंग्स आर द गुड थिंग्स टू रिफ्रेश योर माइंड, ठीक है। यहां से क्लिक करके हमने इसको सेव कर दिया, तो यहाँ पर ये एक और फाइल बन जाएगी ड्राइंग के नाम से, तो यहाँ पे इस तरह से नजर आएगी। बाकी रिमेनिंग ऑपरेशन है इस पे राइट बटन दबा के, कॉपी सेम तरीके से, कट सेम तरीके से, डिलीट, रीनेम वो सेम तरीके से आप कर सकते हैं जैसे आप करते हैं। तो इस तरह से आप एक सिंपल सी फाइल बना के अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। जो काम हम फोल्डर में नहीं कर पा रहे थे, हम उसमें कुछ लिख नहीं पा रहे थे, वो काम हम फाइल्स में कर सकते हैं। फोल्डर हमारे स्कूल के बैग की तरह हो सकता है, ज्योमेट्री बॉक्स की तरह हो सकता है, लेकिन फाइल्स हमारी बुक्स और कॉपीज की तरह होती है जिसमें हम कुछ भी लिख के सेव कर सकते हैं, ठीक है।